सबसे पहले आज हम बात करेंगे रोटी मेकिंग मशीन। छोटी ज़रूर है बट स्पीड में नंबर वन है। ये रोटी मेकिंग मशीन 1 घंटे में 250 रोटी बना देती है, यानी 250 रोटी। आप बातों पर मत जाइए, हम आपको रोटी मशीन का डेमो दिखाते हैं। चलिए हम आपके लिए इसी मशीन पर रोटी बनाकर भी दिखाते हैं। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस स्मॉल साइज डोनेटर मशीन में आटा डाल दीजिए। ये 2 किलोग्राम कैपेसिटी की है। इसमें आप एक बार में 1.5 से 2 किलोग्राम आटा गूंद सकते हैं। अब इसमें आटा डाल दिया है। अब ये मशीन स्टार्ट करने के बाद थोड़ा ऑयल ऐड कर दीजिए। ऑयल से रोटी का टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा और रोटी भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी और फूली हुई बनेंगी। ऑयल मिक्स होने के बाद प्रेफर्ड क्वालिटी में पानी डालते जाइए। वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, जिससे मशीन यूज़ करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आटे में धीरे धीरे पानी ऐड करना है, 1 टाइम में नहीं डालना है, जैसे कि हमने आपको तरह आपका आटा रेडी हो जाएगा। इसका बाउल अनब्रेकेबल फ्रूट गेट मटेरियल से बनाया गया है, जिससे ये नॉर्मली टूटेगा भी नहीं। आप इस मशीन को घर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये डोमेस्टिक मशीन है। कई बार आपने नोटिस किया होगा रोटी पूरीज हमारी फूलती नहीं है और काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाती हैं। उसका मेन रीज़न है कि आटे को अच्छी तरह से गूंदा नहीं जाता। हम इस मशीन में प्रॉपर तरीके से आटा गूंदते हैं, जिसकी वजह से रोटी पूरी सभी फूल जाती हैं। जो लड़के बैचलर हैं, फैमिली से अलग रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, उन लोगों के लिए आटा गूंदना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में ये मशीन काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग साबित होगी। इस मशीन में 0.25 HP का मोटर लगा हुआ है, जिससे आटा गूंदने की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। मशीन ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं है। इसका डायमेंशन 14 इंच का और विड्थ इसका 10 इंच का एंड हाइट इज़ नॉट मच, ओनली 18 इंचज़ है। इसलिए ये आपके घर में भी इजीली एडजस्ट हो जाएगी। ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं है, स्मॉल और नॉर्मल साइज़ है। और हम इसके वेट की बात करें तो ओनली 15 किलोग्राम इसका वेट है, तो कोई भी इसको इजीली उठा सकता है। इसे नीरव परफॉर्मेंस और क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलेगी। इस मशीन में 2 kg आटा गूंदने में मुश्किल से 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा। ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगी और हाथ से गूंदने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है। तो 3 से 4 मिनट में हमारा आटा गूंद के रेडी हो चुका है। आटे की आप क्वालिटी देख सकते हैं। जिस तरह हम हाथों से आटा गूंदते हैं, सेम उसी तरह से इस मशीन से भी आटा रेडी हो गया है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं स्मॉल साइज रोटी मेकिंग मशीन, और हम आपको दिखाते हैं कि ये मेकिंग मशीन अच्छे साइज में और अच्छी रोटियां बनाती हैं या नहीं। चलिए इसका डेमो भी हम आपको दिखाते हैं। इस मशीन में ऊपर की साइड से आपने जो डो की बॉल्स बनाई थी, वो ऊपर की साइड से डालते जाइए। ये मशीन खुद ब खुद उनको प्रेस करके और जो आगे बेल्ट है उस पर डालती जाएगी। जितने भी आपने ये बॉल्स तैयार करे हैं, उनको 1 बाय 1 डालते जाइए। ये मशीन काफ़ी स्पीड में वर्क करती है, तो इसलिए आप अपना ज़रा ख्याल रखें। ये मशीन 1 घंटे में 250 रोटी बना देती हैं, और इतनी सारी रोटी बनाने के लिए आपको बहुत सारे वर्कर की ज़रूरत नहीं। ये काम आप अकेले भी कर सकते हैं। एक ही बंदा इस मशीन में हज़ारों रोटी बना सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उस बंदे को इसका एक्सपीरियंस हो मशीन ऑपरेट करने का। वीडियो में हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा है, आप वीडियो देखकर बखूबी इस मशीन को अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं। आपको इस मशीन में सबसे पहले टेम्परेचर सेट करना है, फिर मशीन ऑन करते ही वर्किंग इसका स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमने आपको दिखाया है लाइव। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें बॉल डालने के बाद रोटी फ्लैट होकर कन्वेयर बेल्ट पर आ रही है, और सबसे ऊपर जो कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है वो तवे का काम करता है। फिर ऊपर से सिकते हुए वो रोटी नीचे वाली बेल्ट पर आ जाती है, जिस पे थोड़ा सा और दाग सिकता है रोटी पूरी कंप्लीट तैयार होने के लिए। इसे पकाने के लिए इस मशीन में 4 सेरेमिक हीटर लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं इस मशीन में जो रोटी बनी है काफ़ी अच्छे से फूल कर बाहर निकल रही है। इसको हम फुलका रोटी भी बोलते हैं। आप इसी